नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉलीवुड केसरी और मैं हूं आपके साथ एकता। मैं लेकर आई हूं बॉलीवुड की कुछ लेटेस्ट अपडेट। बॉलीवुड की उम्दा एक्ट्रेस कहे जाने वाली आलिया भट्ट एक बार फिर से ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई है। दरअसल हाल ही में आलिया ने बड़े ही गुपचुप तरीके से बॉलीवुड के मोस्ट रोमांटिक हीरो रणवीर कपूर के साथ शादी रचाई थी। वहीं आलिया ने अपनी शादी में सिर्फ घर वालों और अपने करीबी रिश्तेदारों को ही न्योता दिया था। दोनों की शादी की फोटोज भी फैंस को खूब पसंद आया था, लेकिन अब आलिया और रणवीर की शादी की एक ऐसी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसे देखकर हर कोई शॉक रह गया है। दरअसल सोशल मीडिया पर आलिया की एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है, जिसे देखने के बाद अब यूजर्स उस पर कई तरह के कमेंट और सवाल भी खड़े कर रहे हैं। दरअसल वायरल तस्वीर में दोनों ही कपल एक स्क्रीन को देख रहे हैं, जहां दोनों अपनी शादी की तस्वीरों को सेलेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इस दौरान आलिया काफी चिंतित और गंभीर होते हुए अपनी शक्ल बनाई है, जिसकी वजह से एक्ट्रेस अब जमकर ट्रोल हो रही है। वहीं अब आलिया की इस वायरल फोटो पर यूजर्स जमकर कमेंट करते हुए भी नजर आ रहे हैं, जहां एक यूजर ने कमेंट कर लिखा है कि थकी हुई थी, प्रेग्नेंट थी ना, तो वहीं एक यूजर ने लिखा है शादी हो गई, बेबी भी हो गया, अब क्यों कर रहे हो उनके फोटो पोस्ट, हम इंटरेस्टेड नहीं है अभी। तो वहीं एक यूजर ने तो ये तक लिख डाला है कि आलिया भट्ट पर इस बात का भी दबाव है कि कहीं ग्रामर गलत ना हो जाए। बता दें कि बीते साल 14 अप्रैल को आलिया और रणवीर शादी के बंधन में बंधे थे। वहीं शादी के कुछ ही महीनों बाद आलिया ने अपनी प्रेगनेंसी की खबर भी अपने सोशल मीडिया के जरिए सबको दे दी थी। वहीं आलिया ने हाल ही में बेटी को जन्म दिया था, जिसका नाम उन्होंने राहा रखा है। हालांकि आलिया ने अभी तक अपनी बेटी की झलक किसी को नहीं दिखाई है। अब खबरें ये भी सामने आ रही है कि आलिया भट्ट जल्द ही खुद को फिट और फाइन करके वापस से फिल्मों की शूटिंग पर लौट सकती है। लेकिन इन सब से हटकर आपको आलिया की शादी की अनदेखी तस्वीर कितनी पसंद आई है, यह हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वाल अभी के इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं एकता त्रिपाठी, पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आप हमारे वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।